गाइस, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एन अनदर ब्लॉग। आज है रमदान डे 22। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग कई बार नहीं जा रहे हैं। आज दोबारा से आप लोगों को मेरे किचन चलना होगा। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। आज जो भी कुछ बनाया हुआ है, फ्रोजन करके जो भी कुछ रखा हुआ है, उसको ही फ्राई करूंगी। सिर्फ एक रेसिपी बनाऊंगी, वो है वो क्या है शेजा, चिकन नूडल्स, चिकन मैगी, नॉट नूडल्स। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मैगी, तो यही बनाऊंगी और सब कुछ बनाया हुआ है और जूसेस बनाऊंगी। तो चलते हैं अब मेरे किचन। तो अब मैं आ गई हूँ किचन और पहले मैं बनाऊंगी लस्सी। तो लस्सी के लिए मैंने कर्ड, शुगर और आइस क्यूब्स तीनों डाल दिए हैं। अब इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी और रख दूंगी फ्रिज में। तो मैंने लस्सी बना दी है। अब मैं बनाऊंगी शमाम का जूस। तो यहाँ पर है शमाम, इसको स्वीट मेलन भी कहते हैं और मस्क मेलन भी कहते हैं। तो अब इसका मैं सिर्फ हाफ ले रही हूँ, हाफ का जूस बनाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको छील लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी मिल्क। और शुगर। अब इसमें ब्लेंड करूंगी। इस तरह से जूस बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर है मस्क मेलन जूस। आज मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, चिकन मैगी। तो उसके लिए मैं कट कर रही हूँ प्याज। मैंने लिया है 2 प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया है। अब मैं कट करूंगी टमेटोस। तो मैं ले रही हूँ 2 टमेटोस, इसको भी कट करके लूंगी। बना रही हूँ चिकन मैगी। मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल भी डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी अनियन। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ टमाटो। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं डालूंगी ये मसाले, ये जो मैगी में जो आते हैं वो मसाले हैं। तो इसको मैं डालूंगी। तो अब मैं डालूंगी चिकन को मैंने थोड़ा सा पका लिया था, सॉल्ट और टर्मरिक डाल के, और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसको मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैंने डाल दिया है पानी। अब इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ बॉईल आने तक। बॉईल आने के बाद मैं डालूंगी मैगी का है। तो पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ मैगी। यहाँ पर है मैगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। मैं यूज कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और मैं डाल रही हूँ मैगी मैजिक मसाला। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि मैजिक मसाला में और मैगी के मसाले में सॉल्ट रहता है। अब ये बन चुका है तो फाइनली इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। तो यहाँ पर चिकन मैगी बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर समोसे फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर चिकन कटलेट भी रेडी हो रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो रहे हैं। सब कुछ फ्रोजन करके मैंने रखा था तो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो यहाँ पर है चिकन मैगी और यह है हमारा इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अब अजान हो रही है, हम लोग इफ्तार करेंगे।